लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के बहुत बड़े नेता और आज स्थिति डमाडोल है। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया। आज फैंस डिमांड में बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की। लालू यादव, वही लालू यादव जिन्होंने दिल से इस बिहार के लिए बहुत कुछ किया, जैसा कि उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव बहुत ही बड़े नेता हैं और जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, कार्यकर्ताओं से दिल से जुड़े हुए रहते थे। यही संक्रांति का मौका याद कीजिए कि पिछली दफा जब संक्रांति का त्यौहार हुआ था तो लालू आवास पर कैसे लोगों का जमावड़ा लगा था, लेकिन आज सूना पड़ा रहा क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सीबीआई कोर्ट में पेशी होने वाली थी और इसको लेकर सब स्तब्ध थे। लालू का जो आवास था वो भी बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, उस आवास में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन वहां पर ये त्यौहार धूमधाम से नहीं मना। हालांकि कई कार्यकर्ता जैसे कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने घर पर चूड़ा दही का कार्यक्रम रखा, भैया संक्रांति का मौका है तो ऐसे भी लोग संक्रांति के दिन नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं और चलो अगर दही चूड़ा का है कुछ ऐसा तो बुला लेते हैं किसी को, तो ये भी वहाँ पर हुआ। लेकिन राबड़ी देवी ने बिल्कुल भी नहीं मनाया, बड़ी दुखी हैं, बहुत उदास हैं। जरा ध्यान से सोचिए तो राबड़ी देवी ने बहुत कुछ खोया है। राबड़ी देवी ने जितने कम समय में पाया वैसे ही समय में सब कुछ खोता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की पेशी हुई उस पर हम आज बात कर रहे हैं कि सीबीआई कोर्ट में जब उनके बयान दर्ज हो रहे थे तो चार लोग उनको पकड़ कर ले जा रहे थे, आज इस स्थिति में भी नहीं है कि वो खड़े हो सके। आखिर लालू प्रसाद यादव को लेकर जो उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली थी वो कहीं ना कहीं सच जरूर नजर आ रही है कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनको हर रोज इंसुलिन चढ़ाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है इंसुलिन की, और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। लालू प्रसाद यादव काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी बीमार हैं। इस पर तमाम फैंस ने बड़ा फैसला सुनाया है। फैंस डिमांड कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों ने लालू प्रसाद यादव की आज़ादी को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है, चलिए हम अपने इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि वाकई में लालू प्रसाद यादव को वापस आना चाहिए, आरजेडी को फिर से चलाना चाहिए, जनाधार को मजबूत करना चाहिए, राबड़ी देवी के बांछे खिलनी चाहिए और घर में खुशियां ही खुशियां आनी चाहिए। ये सब पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें आप तमाम दर्शकों की प्रतिक्रिया भी है, तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लालू प्रसाद यादव को लेकर तमाम फैंस ने अपना फैसला सुनाया है। सीबीआई कोर्ट में आज लालू प्रसाद यादव की बहाली होनी थी। लालू प्रसाद यादव की बहाली को लेकर सब ने अपना अपना तर्क समझाया है। लालू प्रसाद यादव की क्या फिर से एक बार सुनवाई के बाद आजादी की बात हो सकती है, तमाम फैंस ने अपनी अपनी बातें कही हैं। लंबे समय से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर रांची की सीबीआई अदालत में पेश हुए। लंबा अरसा बीत चुका था। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से जुड़े 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू ने अपना बयान दर्ज कराया। करीब दो घंटे तक अदालत में रहे लालू से इस दौरान सीबीआई के विशेष जज सुधांशु कुमार शशि ने एक एक कर 34 सवाल पूछे। अब तक लालू को चारा घोटाले के चार मामलों में सजा मिल चुकी है। यह पांचवा मामला है जिसमें लालू ने कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखा। लालू फिलहाल रांची के रिम्स में अपनी बीमारियों के इलाज के लिए भर्ती हैं। वे बिरसा मुंडा जेल की अभिरक्षा में पेइंग वार्ड में अपना इलाज करवा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसे हर कोई देखना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है। लालू प्रसाद यादव बहुत ही अच्छे आदमी हैं। लालू प्रसाद यादव से जज ने सवाल पूछा कि आपने गवाहों का बयान सुना और समझा है? लालू ने कहा हाँ। जज का सवाल नंबर दो था, वर्ष 1990 से 1997 के बीच आप बिहार के मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री के पद पर थे या नहीं? लालू यादव का जवाब हाँ, ये सत्य है। जज का सवाल, आपने पशुपालन विभाग के अधिकारियों और अन्य के साथ मिलकर षड्यंत्र कर डोरंडा ट्रेजरी से 140 करोड़ रुपए कपट पूर्वक निकासी में सहायता पहुंचाई? लालू ने कहा ऐसा नहीं है। जज का सवाल नंबर चार था, आपको ये मालूम था कि रुपए का इस्तेमाल नेताओं पदाधिकारियों की सुविधा के लिए, एयर टिकट खरीदने के लिए और होटल खर्च के लिए किया गया? लालू यादव ने जवाब दिया, कोई जानकारी नहीं, ऐसा नहीं है। सीएम होने के नाते हम एयर टिकट क्यों लेंगे?
जज का सवाल 5 अप्रैल 1990 को ही डिप्टी अकाउंटेंट जनरल ने कपटपूर्वक निकासी बताया था, जिसमें पशुओं को कार, स्कूटर, टेम्पो और जीप से ढोने की बात कही थी। लालू का जवाब था, ऐसी बात नहीं है, हमने उचित जांच का आदेश दिया था। जज का सवाल था 6 नंबर, उक्त अवैध ट्रांजेक्शन के संबंध में 34/90 दिनांक 9/8/90 को पशुपालन विभाग के अधिकारियों और आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध केस रजिस्टर किया गया था, जिसकी जानकारी आपको थी, लेकिन आपने रोकने का काम नहीं किया। जज का सवाल था कि आपने सचिवालय में विजिलेंस संबंधित इंक्वायरी की संचिका काफी दिनों तक पड़ी रही, लेकिन निगरानी जांच को लिखा और ना ही लोक सेवा समिति को मामला भेजा। लालू ने कहा, लोक सेवा समिति से कोई मतलब नहीं। जज का सवाल है कि 8 नंबर का जो ये सवाल है वो ये है कि फाइल घूमती रही लेकिन आपने कुछ नहीं किया। लालू यादव ने 8 नंबर के जवाब में कहा कि उचित कार्रवाई की। 9 नंबर था, राम जीवन सिंह तत्कालीन पशुपालन मंत्री ने डेंटल नोट देकर 18/8/90 को ही पशुपालन घोटाला जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। इस तरीके से लालू प्रसाद यादव से बहुत सारे सवाल किए गए और इसके जवाब लालू प्रसाद यादव ने दिया खुलकर। लालू प्रसाद यादव तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से जवाब देते गए। लालू प्रसाद यादव की वापसी होगी कि नहीं, इस पर तमाम फैंस ने अपना अपना फैसला सुना दिया है। फैंस का ऐलान सुनेंगे तो उड़ जाएंगे आपके होश। जी हाँ, फैंस ने अपना फैसला सुनाया है। फैंस का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की वापसी होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव एक अच्छे इंसान हैं और लालू प्रसाद यादव की वापसी बिल्कुल होनी चाहिए। लालू प्रसाद ने जीवन में जो भी किया, अब उनकी स्थिति को देखते हुए कोई बड़ा कदम और कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। अमित कुमार कहते हैं कि जनता का मसीहा लालू यादव है, जिंदा और छूटना चाहिए और जल्द छूटना चाहिए। बहुत बहुत अमित कुमार जी। और अरुण कुमार कहते हैं कि मिलना चाहिए बेल लालू प्रसाद यादव को। अरुण कुमार यादव के नाम से इनकी आईडी है और ये कहते हैं कि लालू यादव को बेल मिलना चाहिए। धर्मजीत कुमार के नाम से इनकी आईडी है, ये कहते हैं लालू यादव के छूटने का वक्त जरूरी है, छूटने का बहुत जरूरत है। और वहीं पर एमडी असलम खान कहते हैं कि इंशाल्लाह जरूर वापसी होगी। हर कोई उम्मीद लगाए हुए है कि लालू प्रसाद यादव की वापसी होगी। मिथिलेश कुमार कहते हैं कि बाहर आना चाहिए क्योंकि पहले वो एक अच्छे इंसान है। पवन यादव कहते हैं हाँ, लालू को माफ कर देना चाहिए। तो तमाम दर्शकों ने अपनी अपनी राय सुनाई है, अपनी अपनी बात कही है और इन तमाम दर्शकों ने जिस तरीके से अपनी बातें कही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लालू प्रसाद यादव ने हमेशा उन तमाम लोगों के बारे में सोचते हुए, जो गरीब गुरबे हैं वो हमेशा लालू प्रसाद यादव को बहुत याद करते हैं और वो सब लोग चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की वापसी हो जाए। तो पवन यादव जी कहते हैं कि हाँ, लालू को माफ कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। और प्राची राज म्यूजिक ऑफिशियल के नाम से इनकी आईडी है, ये कहते हैं जी बिल्कुल, लालू यादव को चुनाव लड़ना चाहिए। 2020 का चुनाव लालू यादव को लड़ना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। प्राची ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक लालू प्रसाद यादव की वापसी होती है, कब तक लालू प्रसाद यादव आते हैं। पिंटू शाह कहते हैं लालू जी को सोचना चाहिए, परिवार पूरा बिहार है, बिहार का काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ गलत कर दिया, इनको सोच नहीं रहा है कोई, और दुनिया को जो उन्होंने दिया उसे दुनिया सोच भी नहीं सकती। राम सजीवन यादव कहते हैं लालू यादव इज द ग्रेट मैन, सीबीआई इज प्लेइंग इन द हैंड ऑफ बीजेपी, इस तरीके से इन्होंने बोला है। और शंकर कुमार कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, बिल्कुल बेल मिलना चाहिए। शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम लोग हैं जो कि दिल से लालू प्रसाद यादव की वापसी चाहते हैं और इन्होंने इस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इसके अलावा सिकंदर कुमार के नाम से इनकी आईडी है, ये कहते हैं आना चाहिए। विकास कहते हैं बेल मिलना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए लालू यादव को, इस तरीके से विकास जी ने कहा है। विकेश के नाम से इनकी आईडी है और इन्होंने ये बड़ी बात कही है। विकेश कुमार
नाम है इनका, और इनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव की वापसी होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव की वापसी पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। आप एक बार फिर से तमाम चीजों को देखिए कि कैसे लालू प्रसाद यादव अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सचमुच में क्या लालू प्रसाद यादव की स्थिति खराब है? इन तस्वीरों को देखिए और बताइए कि लालू प्रसाद यादव आज के डेट में किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, इस पर सीबीआई की क्या राय होनी चाहिए, क्या फैसला होना चाहिए। आप तमाम दर्शकों की राय बहुत जरूरी है, तो खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, खुलकर अपनी राय दीजिए। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह के। तो आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं, इतने बीमार हैं कि उन्हें लोग पकड़कर ले गए कोर्ट परिसर तक। जब उन्हें केंद्रीय कारा से ले जाया जा रहा था पेशी के लिए सीबीआई कोर्ट में, तब उनको चार लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था। अपने पैरों पर दो कदम भी नहीं चल पा रहे थे लालू प्रसाद यादव, और इसी स्वास्थ्य कारणों का हवाला उन्होंने दिया था। तब जाकर झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें कहा था कि ठीक है, आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन सीबीआई नहीं मानी, शिकंजा कस दिया और लालू प्रसाद यादव को जाना पड़ा पेशी के लिए। अब कोर्ट में पेशी हो चुकी है, सारे बयान दर्ज हो चुके हैं, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बयान दर्ज हुए हैं, कुछ एक लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार थे वो आ नहीं पाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जेल से खुद जेल अधीक्षक ले गए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल में सजा काट रहे हैं, तो उन्हें ऑर्डर दिया गया था जेल अधीक्षक को कि ले आए, पेशी कराएं और बयान दर्ज हो। तो किसी भी तरह से चार लोगों ने पकड़कर लालू प्रसाद यादव को कोर्ट तक पहुंचाया और वहां पर सारे बयान दर्ज हो चुके हैं। बारी फैसले की है। अब तमाम फैंस का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को वापस आना चाहिए। सब कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है और घर में सेवा की ज़रूरत है, और उन्हें अस्पताल में वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में डॉक्टरों की देखरेख में हैं, हर रोज उनका स्वास्थ्य जांच हो जा है, और हर रोज जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर ख्याल रखते हैं, तो वो वहाँ के लोग हैं, रिम्स वार्ड के लोग हैं, डॉक्टर हैं जो हर रोज मेडिकल बताते हैं रिपोर्ट की क्या है, कितना इंसुलिन बढ़ा है, कितना शुगर लेवल उनका घटा है, इन सब चीज़ों पर वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो लालू प्रसाद यादव को लेकर जो आप तमाम फैंस ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारी शुभकामनाएं लालू प्रसाद यादव को दीजिए और एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत सारे कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट से आज़ादी मिल पाएगी, कोर्ट का क्या होगा फैसला, क्या आपने अपने लिए या फिर लालू प्रसाद यादव को जो कुछ भी फैसले में सुनाया जाएगा इस पर कुछ सोचा है, क्या सोचा है, आपकी तरफ से क्या हो सकता है, ये ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, हमारा चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।